दोस्तों, भारतीय रेलवे के साथ हम सभी का कहीं ना कहीं से सफ़र जुड़ा हुआ होता है। भारतीय रेलवे अपने ग्राहकों को, या यूँ कहें कि हम आमजनों को, बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ हमेशा यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान देती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में अगर आप यात्रा करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं और अगर आप कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रही है जहाँ से आप चढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी कंफर्म सीट पा सकते हैं अगर आपको उस दिन की यात्रा के दौरान वेटिंग टिकट भी दिखाई दे रही है, फिर भी आपको कंफर्म टिकट मिलेगी। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्सर आपके साथ दोस्तों ये होता है कि हमें अगर यात्रा करनी है हमारे सोर्स स्टेशन से, तो उस वक्त हमको उस जगह से डिस्टिनेशन स्टेशन के लिए हमें टिकट नहीं मिल पाती है, या टिकट दिखती भी है तो वो वेटिंग लिस्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप वेटिंग रहते हुए भी कंफर्म टिकट पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों IRCTC.co.in है। इसके बाद आपको जिस भी स्टेशन से चढ़ना, मान लीजिए हमें अनूपपुर से रीवा जाना है, तो यहाँ पे हम अनूपपुर टाइप करेंगे, उसका शॉर्ट कोड है APR। हर स्टेशन का दोस्तों एक शॉर्ट कोड होता है जिसे आपको जानना ज़रूरी है, जिसके बाद आप स्टेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब रीवा जाना है, रीवा को आप पूरा लिख सकते हैं क्योंकि उसका नाम पूरा ही आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑल क्लास है, इसको ऑल क्लास ही रहने दीजिए, या आपको एक स्पेसिफिक क्लास लेना है यानी 3rd AC, 2nd क्लास, 1st AC, वो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन ऑल क्लास रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जनरल जो सामान्य सीट होती है सभी के लिए वही क्लास है, इसको भी हम एज इट अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे सर्च आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमें अगर कल की यात्रा करना है तो 2nd सीटिंग में जो 2S अब बन चुकी है उसमें 9 वेटिंग दिख रहा है आपको। स्लीपर क्लास जो SL होता है उसमें 51 की वेटिंग है, और AC 3rd में आपका वेटिंग लिस्ट 5 है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बोर्डिंग स्टेशन है यानी जहाँ से हम चढ़ने वाले हैं वो है स्टेशन का नाम अनूपपुर, जहाँ जाना चाहते हैं वो है रीवा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट है 51, और हमें जाना अगर अनिवार्य है दोस्तों कि तो हमें आप टिकट हर हालत में कन्फर्म ही चाहिए है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन और होते हैं, या तो आप तत्काल टिकट लीजिए या आप प्रीमियम तत्काल लीजिए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास तत्काल भी नहीं है, प्रीमियम तत्काल भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपको जो अपना बोर्डिंग स्टेशन है उसका जो पॉइंट है दोस्तों वो चेंज हो करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको यात्रा करनी है अनूपपुर से, बट आप सीट जो सर्च करेंगे दोस्तों उसके सोर्स स्टेशन से चेक करेंगे, या बैक स्टेशन से। सोर्स स्टेशन मतलब ट्रेन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से इसको बिलासपुर कर दे रहे हैं क्योंकि ट्रेन बिलासपुर टू रीवा है, डेट एज इट रहेगा। उसके बाद इसको मॉडिफाई सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि 2nd सीट में जो वहाँ पे वेटिंग थी यहाँ 281 सीट दिखाई दे रही है, स्लीपर पे वहाँ 26 RAC दिखाई दे रही है, और AC 3rd में 3 RAC दिखाई दे रही है। तो RAC है दोस्तों, यानी इसको भी आप कंफर्म मान के चलिए, चूँकि RAC का मीन्स है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और ये सीट 100% कन्फर्म ही होती है हमेशा, है ना। नहीं भी होती है दोस्तों तो आपको यात्रा करने की पूरी परमिशन रहती है, क्योंकि जो स्लीपर सीट रहती है उसमें हाफ सीट आपको प्रोवाइड की जाती है सामने वाले कैंडिडेट के साथ में। तो आप देख पाएंगे कि जनरल 2nd सीटिंग में भी सीट है यहाँ पे, और आपका स्लीपर में भी है। अब इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे सीट क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है? तो उसका एक रीज़न ये होता है कि हर जोन वाइज कोटा निर्धारित होता है। बिलासपुर कोटे में आपका पिंडरा तक स्टेशन कवर होता है, फिर इधर से आपका दूसरा कोटा लग जाता है जो है अनूपपुर ज़िले का। तो अनूपपुर जंक्शन का जो है दोस्तों वो अलग कोटा है, इसलिए उस कोटे के तहत सीट सब बुक हो चुकी हैं। अब जो ये देख पा रहे हैं बिलासपुर कोटे की तहत सीट है, जिसको आप यहाँ से बुक करने के बाद बोर्डिंग पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए बिलासपुर से देख रहे हैं, अभी फेयर आपको 280 दिख रहा है, इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे पिंडरा स्टेशन भी आप ले सकते हैं।
यहाँ भी देखिए आप दोस्तों, यहाँ भी आपको RAC ही दिख रही है और यहाँ पे 280 की जगह आप 235 किराया आ चुका है। तो ये भी बिलासपुर जोन के अंतर्गत कोटा लगता है, इसलिए आप इसको यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो इस तरह है दोस्तों, आप कंफर्म सीट पा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके सोर्स स्टेशन सेलेक्ट करके टिकट कंफर्म पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है आपके सामने कि ऐसे महिलाओं में 45 प्लस और जेंट्स हैं तो 60 प्लस हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी के पास सीनियर सिटीजन का कोटा दिखाई देता है। ये रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्तों, लोअर बर्थ स्लैश सीनियर सिटीजन। इसमें आप लेडी हैं यानी अगर आप, तो आपको 45 एज कवर करने के बाद ये कोटा प्राप्त होता है, और आप एक जेंट्स हैं यानी आप एक मेल हैं तो 60 प्लस के बाद आपको ये कोटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोअर पे भी क्लिक करेंगे, उसके बाद मॉडिफाइड में क्लिक करेंगे, तब भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कंफर्म सीट दिया जा रहा है। क्योंकि सीनियर सिटीजन कोटा और लोअर सीट कोटा के अंतर्गत कुछ सीट अलॉट होती हैं हर स्टेशन वाइज, जिसमें वो है जो ओल्ड एज वाले कैंडिडेट होते हैं यानी 60 प्लस और 45 प्लस महिलाओं में जो होते हैं उनके लिए सीट निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, इस कोटे के तहत भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको कुछ कंडीशन रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। यानी अपने साथ आप ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करके ले जाएंगे, चूँकि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है जो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना पड़ता है TTI के सामने। तो इस तरह आप दोस्तों कंफर्म सीट पा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म सीट नहीं मिल रही है तो आप अपना जो बोर्डिंग स्टेशन है दोस्तों वो चेंज करके कंफर्म सीट पा सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई है। जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।